यार ये कितना भी कॉन्फिडेंट में हो पर मुझे तो डाउट है कि यहाँ से निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सूरज ढलने वाला है, थोड़े दिन में अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं है। नीचे जमीन दिख रही है। ये गाड़ी में कोई पूछा नहीं है भाई कदम से। अब हम जा रहे हैं मशरूम तोड़ने के लिए, बाल्टियाँ ले ली है, चाकू ले लिए, जमीन दिख रही है। ये गाड़ी के कोई मतलब ठिकाने नहीं है भाई कसम से। चुचुरते प्यार तैयार। वापस हम आ गए इनके ढांचा पे यार। तो ये जो अंकल हैं वो सारा कबाड़ इकट्ठा कर करके बेचते हैं और पैसे कमाते हैं, और इनकी खुद की पेंशन भी है ऐसे तो। देखो कितना कबाड़ इकट्ठा कर रखा है भाई, अगर सब माल जोड़े तो कुछ बढ़िया प्राइवेट जेट बन जाए। ये देखो दूसरा ढांचा, ये बिल्कुल साफ है। तो ये इनके पड़ोसी है और ऐसी पूरी खाली जमीन मिलती है, इस पर आप कुछ भी बिल्ड कर सकते हो। सही है भाई सही है। What he do with the stones? Just paving the road. Yes, my father is very interested for us. Wherever he finds that big hole, for example, on the road, he will put this to make the way for another people. The good person. तो यार ये गांव है मस्त सा, पर आप गांव की लाइफ देखो कितनी मस्त है। कुछ लोगों के पास पैसा है जैसे ये भाई साहब, और कुछ लोगों के पास पैसा नहीं है जैसे ये वाले घर है। जंगल जी ने गाड़ी खतरनाक जगह डाल दी है, मतलब रोड तो है नहीं और ये देखो जंगलों में डाल दी है पूरी। अब वहाँ तक पहुँचेंगे भी नहीं पहुँचेंगे क्या पता यार। अंकल जी खतरनाक है यार, सुबह टाइम पे लोग खतरनाक होते हैं। नॉर्मल टू तो गाइस ये है जंगल, जंगल के लगभग बीच में, और यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं मशरूम। तो मशरूम की खोज चालू करते हैं। मशरूम ये रहा एक ही इधर रहा, और ये जगह थोड़ी सी अनएक्सप्लोर लग रही है, यहाँ पे कोई आया नहीं ऐसा लग रहा है। अब मैं लेने जा रहा हूँ मेरी बाल्टी और चाकू, फिर एक बाल्टी भर के मशरूम बनाऊँगा। माना ने मुझे बताया है कि जो मशरूम का रूट काटोगे तो अगर वो सफ़ेद है रूट तो वो फ्रेश है, और अगर रूट में कालापन आ गया या तो वो ख़राब है। तो ये काट काट के आपको देखना होगा। तो फाइनली एक टुकड़ा मिल गया है कि देयर आर समथिंग बट दे आर ऑलरेडी कट। यार जंगल में देख लिया पर किस्मत अपनी रंग लाई नहीं, इतने से ही कलेक्ट हुए, वो भी आधे इन्होंने मुझे दिए हैं।
तो भाई ये देखो ऐसे मशरूम मिलता है, इसको यहाँ से काटना पड़ता है। अगर इसकी जड़ सही है, मतलब काली नहीं है जैसे कि ये है, ये देखो इसकी जड़ काली नहीं है, तो ये डाल दो अपने खेत में, ठीक है। और तो कोई रह नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है यहाँ से कंप्लीट है। तो गाइस अभी थोड़ा दूसरी जगह पे आ गया हूँ और ये स्टॉक हुआ है मेरा, उसमें भी मेरे को लग रहा है कि आधे ख़राब है। अगर आप इस बाल्टी को भर लोगे तो आपको 1500 रुपये मिलेंगे। तो थोड़ा सा चल चल के मैं इस जंगल के करीब आ गया हूँ, और ये देखो जंगल में लोग ना चले जाएँ इसलिए काइंड ऑफ ऐसा बाउंड्री बना रखी है, मतलब बाउंड्री क्या मतलब काइंड ऑफ हिंट दे रखा है कि भाई आगे जंगल है, वहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए आगे क्रॉस ना करें। तो ये जंगल ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, पर कहीं भी जाओ देखो यहाँ पे पगडंडी बनी हुई है, कहीं पे भी जाओ आप हर जगह लोग कहीं ना कहीं से आ गए हैं, लोगों ने पहले से ही मशरूम कलेक्ट कर लिए हैं। तो मेरे को तो मशरूम ढूंढना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। मैंने अभी तक इतना स्टॉक किया है, और ये भी मैं नहीं रखूँगा, ये मैं इनको दे दूँगा, क्योंकि मैं मशरूम खाता भी नहीं हूँ, मुझे पता भी नहीं कौन सा सही है कौन सा ख़राब है। तो मैं इनको कंप्लीट मशरूम सारे इनको दे दूँगा, आप रखो और आप ही खाना बना के खाओ, और कुछ डिश बना रहे तो खिला दो, ऐसा कोई नहीं है, ये कुछ बना के खिलाएंगे तो ना नहीं है। पर क्या मस्त जगह है भाई, रशिया के लोग ड्रीम लाइफ जी रहे हैं ऐसे जंगलों में। एक चीज़ तो रशियन लोगों के बारे में मानना पड़ेगा कि ये लोग हार नहीं मानते, और काफ़ी मेहनती हैं यार, काफ़ी मेहनती। जैसे ये सबको अच्छी पेंशन मिल रही है 20-20 हज़ार रुपये, फिर भी यहाँ पे आते हैं, और मैं तो लगभग थोड़े में ही हार मान गया। पर जो अंकल जी हैं वो एक बाल्टी और एक थैली भर के मशरूम लाए हैं, वो देखो सामने अंकल जी की एक बाल्टी फुल और एक थैली पूरी फुल करके आ रहे हैं। अब मैं अब शर्मिंदा होने वाला हूँ, खतरनाक चला। इतना पूरी बाल्टी भर दी, ये थैली भर दी, और मेरा देखो सिर्फ इतना सा। तो यार हर मशरूम में लाखों कीड़े हैं, और जब भी आप इसको चाकू से काटते हो तो लाखों कीड़े मर जाते हैं। तो यार ये तो काफ़ी मतलब पाप सा है ये तो। तो पूरा अपना मशरूम हंटिंग हो गया है, अब है चाय की बारी। बस तो अब चाय पीते हैं और कुछ खाते हैं साथ में। तो यहाँ पे अपना मशरूम कलेक्ट करना ख़त्म होता है, और वापस हम जा रहे हैं घर की तरफ, और कितना मस्त मौसम हो रहा है यार। तो यार गाड़ी हमारी एक डेड एंड पे आ गई है, डेड एंड मतलब यहाँ पे कीचड़ है, और कैसे पार करें सोच रहे। देखो ये गाड़ी अंकल जी की इतनी खटारा हो चुकी है कि ये है नॉर्मल कार, पर ये चलाते हैं SUV की तरह, 4x4 की तरह, और यहाँ से शायद ही पॉसिबल है कूद के जाना। तो मस्त है ना भाई रशिया के जंगल, मज़ा आ गया। थोड़ा काला हो गया, टैन हो गया बहुत तगड़ा, पर बढ़िया है। I really wanna hear you out. I can't know how it is to be where you so calmly sit when I'm further my own area. जंगल में ले आया, वहां पे देखो रास्ता ढूंढ रहे हैं, सामने जाना है, इधर जाना है, कोई मैप नहीं है, ना इंटरनेट है, ना कुछ नहीं, आगे कोई रास्ता ही नहीं है। देखो आगे कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा वो ऊपर चढ़ के देख रहे हैं, क्लाइंबिंग अप एंड सीइंग, ट्राइंग टू सी। तो यहाँ पे आके हमारा रास्ता जाम हो गया है, बीच में एक पेड़, दो पेड़, तीन पेड़ है। यार ये कितना भी कॉन्फिडेंट में हो, पर मुझे तो डाउट है कि यहाँ से निकल भी पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि सूरज ढलने वाला है, थोड़े दिन में अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ पे कोई लाइट वाइट नहीं है, सारी भरोसा अंकल जी की गाड़ी पे है, और यहाँ पे नेटवर्क भी बिल्कुल नहीं आ रहा। पर ये बोल रहे हैं इनके लिए नॉर्मल है, तो बिलीव करते हैं कि इनके लिए नॉर्मल है, मेरे लिए तो वन इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है।
जो भी है मज़ा आ रहा है यार, जंगल में मज़ा आ गया। मतलब वापिस से मैं कभी मशरूम पिक करने नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत काम है, बहुत पेशेंस चाहिए, पर वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। मतलब रशिया का नेशनल गेम है ये समझ लो, नेशनल एंटरटेनमेंट है ये समझ लो। To really see something other than just me. सुबह 9 बजे का निकला हूँ और लगभग रात की ऑलमोस्ट 10 बजने वाली है। आज जो आपने सीन देखा होगा, हम गाड़ी में थे, गाड़ी से फिर हम उनके घर पे गए, तमारा के फादर के घर पे, वहाँ पे खाना खाया। खाना खा के उन्होंने मुझे तमारा के घर पे छोड़ दिया। तमारा के घर मेदाज पर लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ से मैं यहाँ पे आ गया, तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। आज मैं लाया हूँ तरबूज फीका, तो ये उनकी मम्मी ने फोर्स करके दिया। मिर्ची, हालांकि मिर्ची की मुझे ज़रूरत थी, लाल मिर्ची घर की। खाना पीना तो हो गया, बस अब सोता हूँ। सो इसी के साथ आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको कल। I hit the brakes, throw stones into a choir.